मंच पे मौजूद पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रधान सरदार भगवंत मान जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी, हमारे पंजाब के प्रभारी सरदार जरनैल सिंह जी, सह प्रभारी राघव चड्ढा जी, यहाँ पे आए हुए सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी मीडिया के साथी, और आज मीडिया के जरिए पूरे देश भर में और पंजाब के कोने कोने में जो भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा सत श्री अकाल। आज पंजाब के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, कई मायनों में ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को, हर पंजाब के व्यक्ति को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। कई महीनों से लोग, मैं जहां भी जाता था एक ही प्रश्न पूछते थे, जी दूल्हा कौन है, आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। तो मैं सबको यही कहता था, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। आपको हम ऐसा चेहरा देंगे जिस पे हर पंजाबी को गर्व होगा। तो आज वो घड़ी आ गई है उसका ऐलान करने की। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए एक अलग प्रक्रिया की। पंजाब के अंदर हमने देखा कि दूसरी रवायती पार्टियां जो हैं, कोई अपने बेटे को सीएम चेहरा बना देते हैं, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर के आदमी को बना देता है। भगवंत मान जी मेरे छोटे भाई हैं। मैं अगर खुद भगवंत मान जी का नाम डिक्लेयर कर देता तो कहते केजरीवाल ने अपने भाई को बना दिया, केजरीवाल ने भाई भतीजावाद कराया, जैसे दूसरी पार्टियां करती हैं वैसे केजरीवाल ने करा। तो हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों से पूछेंगे कि आप बताओ कि पंजाब का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने एक फोन नंबर जारी किया और हमने कहा आप कॉलिंग कर सकते हो, आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हो, आप एसएमएस भेज सकते हो। तो हमारे पास 21,59,437 मैसेज रिस्पॉन्स आए, लगभग 21,59,437 लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए। तो एक चीज तो सारे सर्वे भी ये दिखा रहे हैं और माहौल भी ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जो सीएम चेहरा अब ऐलान होगा वो एक तरह से पंजाब का अगला सीएम बनने जा रहा है। तो पंजाब के लोगों ने अपना अगला सीएम किसे चुना है? ये जो 21,59,000 वोट आए, जो लोगों ने अपने रिस्पॉन्स दिए, उसमें कई लोगों ने मेरा नाम डाल दिया। मैंने शुरू में ही कह दिया था भी मैं रेस में नहीं हूं, तो उन वोट्स को हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। जिसने कहा भाई अरविंद केजरीवाल, उसको हमने साइड कर दिया। उन सारे वोट्स को जो बचे उसमें 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। मैं अपनी बात पूरी 2 मिनट, बस 2 मिनट। 93.3% लोगों ने सरदार भगवंत मान का नाम लिया। दूसरे नंबर पे नवजोत सिंह सिद्धू थे, उनको 3.6% वोट मिले। तो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब के अगले सीएम और आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा औपचारिक रूप से
सरदार भगवंत मान को डिक्लेयर करते हुए धन्यवाद राघव जी। अज इत्थे मंच ते आम आदमी पार्टी दे नैशनल कन्वीनर एक एंटी करप्शन अंदोलन दे विचों एक पार्टी जिन्होंने बनाई देश की राजनीति की दशा ते दिशा बदल ली श्री अरविंद केजरीवाल जी LOP साहब हरपाल चीमा जी तिलक नगर तो लगातार तीजी बार विधायक चुने गए पंजाब के पोलिटिकल अफेयर्स के इंचार्ज जरनैल सिंह जी रजिंदर नगर तो MLA पंजाब के सह इंचार्ज राघव चड्डा जी आम आदमी पार्टी के MLA साहबान आम आदमी पार्टी के बहुत सारे अहदा दर अहदा वर्कर वलंटियर साहबान मीडिया के सारे साथी मेरे माता जी और मेरी छोटी भैन मनप्रीत सब तो पहला तो मैं सारे नूं प्यार भरी सत श्रीकाल बोलना सत श्रीकाल नमस्कार नमस्ते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। अज पंजाब लई एक बहुत वड्डा दिन है जिस तरह CM साहब ने कहा है। बड़ी देर तो तुहाडे भी क्वेश्चन उठ रहे सी कि कौन अगे आऊगा कौन अगे आऊगा। मैं हमेशा ही कहता सी का मैं तो सिपाही हाँ मेरी ड्यूटी तो चाहे कंधा ते पोस्टर चिपकाउण दी लाती जावे मैं पोस्टर चिपका दूंगा पर बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। मेरी ड्यूटी लुधियाने दे किसी चौंक च खड़ के झाड़ू नूं लहराउण दी सारा दिन लाती जावे मैं वो झाड़ू लहरा दूंगा बशर्ते कि मेरा पंजाब ठीक कर दो। जो मैं कॉमेडियन सी मैं लोगों जाता सी लुकी मेरा चेहरा देख के हस पैंदे सी पहले जिंदगी एड्डा वड्डा बदलाव मैं सोचा नहीं सी हुण बिल्कुल रिवर्स हो गया। हुण मैं जदों कितें जनसभा च जां कितें मीटिंग च जाना लोकी मेरा चेहरा देख के रोण लग जांदे ने कि सानू बचा लो जी असी पट्टे गए जी साडे बच्चे गलत संगत च पै गए सिव्यां दी अग जिहड़ी है ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਾ ਬਲੂਗੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਬਲਿਕ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ सुपने वह होंगे ने जिहड़े सानू सौण नहीं दिंदे। पंजाब नू दोबारा पंजाब बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दे नौजवानां नू रोजगार देण दा उहनां दे हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दी खेती नू लाहेबंद धंधा बनाउण दा सुपना सानू सौण नहीं दिंदा। पंजाब दे व्यापारी नू दोबारा अमन शांति वाला माहौल दे के रोजगार ओदा भी ते जिन्हां नूं रोजगार प्रोवाइड करूं उन्हां नूं नौकरियां दवाउण दा
सुपना सानू सौण नहीं दिंदा सारी आम आदमी पार्टी नू। ए टीम वर्क है, बहुत वड्डी जिम्मेवारी अज मेरे ते पार्टी ने दित्ती है, पार्टी ने जिम्मेवारी दित्ती प्लस जिहड़ा लखां लोकां ने मेरे ते विश्वास किया, सो मेरी डबल जिम्मेवारी बन गई ते मैं डबल हौसले नाल काम करूंगा। जिथे भी पंजाब वास्ते लोड़ होई पहले ही असीं तां सौंदे नहीं, असीं तां पहले ही दिन रात इसे काम ते लगे हुए हां। जे सत्ता दा जे हरे रंग दा पेन पंजाब नूं सुधारन वाला लोकां दीआं जिंदगीआं च फर्क लिआउण वाला उहनां दा जीवन पद्धर उत्तरा चक्कण वाला जे पेन साडे हाथ च आया तां मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा अज करोड़ां लोक देख रहे होणगे कि उह पेन हमेशा लोड़वंदां दे हक च चलूगा, गरीबां दे हक च चलूगा, वह किसी चेले चपटियां दे जां चमचियां दे हक च नहीं चलूगा, वह लोगों के हक च चलूगा। बाकी हौसले नहीं हारने, जंग जित लेनी आपां, उहदे वास्ते मेहनत करनी पऊ अजे, जिन्ना चिर रीवन च नहीं बजदे पिछे मुड़ के नहीं देखना। सो पहला सफर है कि आपां सरकार बनाईए, उस तों बाद निराश नहीं होना कि की करिए ऐ हो गया हो गया, कुछ नहीं हुंदा। पंजाब बहुत वारी डिग्गया है पर पंजाब बहुत वारी उठिया भी है, पंजाब पैरां सिर खड़ा होना जानता है। सुरजीत पात्र जी ने लिखिया की होया जे पतझड़ आई तू अगली रुत्त विच यकीन रखी, मैं लभ के लियाउणा कितों कलमा तू फुल्लां जोगी जमीन रखी। तुसी जमीन रखियो फुल्लां जोगी, कलमे लभांगे इसे पंजाब की धरती ते, भंगड़े पैंदे दिखावांगे तुहानू इसे पंजाब की धरती ते, गिद्दे पैणगे इसे पंजाब की धरती ते, लोग खुश होणगे जिते हुण धरने ने टैंकियां भरियां पईआं ने टावर भरे पए ने, लोग छालां मारी जांदे जिहड़े नहरां दे विच अपना बेरोजगारी तो तंग आ के, असीं बाहरले मुल्क दे विच जिहड़े जहाज जा रहे ने आईलेट्स करके भज रहे जिहड़ा साडा यूथ, उन्हां नूं भी रोकांगे क्योंकि उन्हां नूं जे उन्हां दी डिग्री मुताबक इत्थे नौकरी मिल जाए किहदा दिल करदा है सत बगाने सत मुल्कां दे विच जिहड़ा जाके उत्थे धक्के खाण दा। सो पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाउणा, लंडन कैलीफोर्निया पैरिस दे सुपने असीं बहुत देख चुके हां, सानूं साडा पंजाब मोड़ दो। मैं तुहानूं यही बेनती करूँगा कि मेहनत करनी है, कोई आपां देखो खुशी जिहड़ी है ना उह उदों मनावांगे जदों आपां पंजाब नूं खुशहाल कर लिया, ठीक है ना। वो नैलसन मंडेला जी का कोट है कि जे जो कौम ने कोई खुशी मनानी हो आप पिछे हो जाओ, कौम नूं अगे लाओ, नच लैन दिओ, लैट दैम इंजॉय। तो जदों कौम ते कोई भीड़ बह जाए कोई दुख हो जाए तो आप मूहरे लगो तो उन्होंने कहो आओ आप इस मुसीबत का रल के सामना करते हैं, कट्ठे मिल के मोढ़े ना मोढ़ा ला के चलांगे और जित होगी और पंजाब जिहड़ा दोबारे प्रोफेसर मोहन सिंह जी का पंजाब होगा, जिन्होंने लिखा सी भारत है बांग मुंदरी विच नग पंजाब दा। सो नग जिहड़ा है उहदे बिना मुंदरी जचदी नहीं, आपां पंजाब नूं दोबारा नग बना के भारत दी मुंदरी दे विच फिट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी मेरे लिए दुआवां करन लई, मेरे लिए अरदासां करन लई, बहुत बहुत मेहरबानी, सति श्री अकाल सारे। आप सभी का दिलों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप सब इस कार्यक्रम में आए। अब एक नए पंजाब की, एक खुशहाल पंजाब की, एक रंगले पंजाब की जो नींव आज हम सब ने मिलकर यहाँ रखी है, परमात्मा मेहर करे कि हम अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए, सफल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सब यहाँ बता रहे हैं।